इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरद्वाज से प्रभु पूछते हैं हम किधर जाएं? बोले आप चित्रकूट की ओर जाएं, वहां मेरे गुरुदेव भगवान का पावन आश्रम है, वो आपको बताएंगे कि आप कहां रहेंगे। मार्ग में गांव नगर के लोगों को आनंद प्रदान करते हुए मेरे प्रभु श्रद्धाम चित्रकूट पधारे, ये चौपाइयों का दर्शन करिए। देखत बन सैला सुहाय, सर सैला सुहाय, बालिक आश्रम प्रभु आए, सुंदर आश्रम निरखे हर शेराजीव, सुन रघुबर आगम आगे सुने रघुबर आगम आगे आयोले। राम प्रभु आ गए ऐसा सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी भगवान का स्वागत करने पधारे, लेने आए। निवास कैसा? शुचि सुंदर, बाहर भी पवित्र है अंदर भी पवित्र है। देखकर भगवान को बहुत अच्छा लगा। रचना ऐसी बने कि जो आए उसका मन लुभाए जाए। घर हो, बैठका हो, बगीची हो, हम हो, द्वार हो, प्रभु को बहुत भाया। महर्षि जी ने स्वागत किया, मन कहूं राम दंडवत कीन्हा, महर्षि जी ने आशीर्वाद दिया। आश्रम लाए, कंदमूल फल परसे, सिय सौमित्र राम फल खाए, चटाई बिछी थी, थोड़ा विश्राम करने लगे। जिनके नाम का जप करते थे महर्षि जी, वो श्री रघुनाथ जी, श्री प्रभु, मेरे राम, सरकार ठाकुर आ गए।
वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी। एकटक देखने लगे, राघव जी को देखने लगे। भगवान समझ गए महर्षि जी सत्संग करना चाहते हैं, उठ बैठे। संवाद हुआ, भगवान ने अपने सौभाग्य की सराहना की, हमको आपको सर्वकाल अपने सौभाग्य का ही स्मरण करते रहना चाहिए, हम बड़े भाग्यशाली हैं। दुर्भाग्य नहीं लिखना चाहिए, सौभाग्य लिखना चाहिए। हमारे में कितनी अच्छाई भगवान ने दी है, इसी का स्मरण करना चाहिए। और यह मनुष्य ऐसा विचित्र है कि अपनी कमियां लिखता है, अपने सद्गुण नहीं लिखता, बुराई देखता रहता है। मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, मौसम कौन कुटिल कल कामी। अच्छा, अपने लिखेगा, दूसरा कोई कह देगा तो उसको बुरा लगता है। अपनी कमी, कमी तो मनुष्य बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, तो रहता है। परंतु जब हम दृष्टिकोण बदलेंगे और अपने पर कृपा अनुभव करेंगे और अपने सद्गुण दर्शन करेंगे तो हमको लगेगा नहीं नहीं हम भी हैं। केवल कमियों की सूची न बनाइए, केवल बुराइयों की थाते कत्र न हो, कुछ तो है हमारे में। ऐसे भगवान क्यों रखे, देख रहे हैं ना। जगत देखिए, बुराई बताने वाले तो सब आपको मिलेंगे, आपकी अच्छाई बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी अच्छाई स्वयं निकाल लीजिए, मेरे में ये सद्गुण भी है, नहीं तो जिससे मिलिएगा वो केवल कमी बताएगा, आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, आप में ये कमी है। भगवान ने अपने सौभाग्य की सराहना की, वनवास के कारण सुनाए महर्षि जी को और कहा, तात वचन पुण्यमा तु हित भाई भरत यस मौ कहूं दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य। मैं राम पूज्य पिताजी द्वारा दिए गए वचन का पालन कर पाया। तात वचन, माँ ने जो मेरा हित सोचा उस यात्रा में मैं निकला। परिणाम, छोटे भैया भरत अयोध्या के राजा प्राप्त हुए। और हमको आप सभी संत महापुरुषों मुनिगणों ऋषि मंडल का दर्शन हो रहा है, ये सब हमारे पुराकृत पुण्यों का प्रभाव है। बिना सत्कर्म के पुण्य अर्जन के श्रेष्ठ साधना संभव नहीं है। कोई भी सत्कर्म हम करते हैं तो उसके पीछे एक पंक्ति है, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। सत्संगति मिलती है पुण्य के प्रभाव से, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जिसका जितना पुण्य अधिक है उसको उतना ही सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग यूं नहीं मिलता है, हो ऐसे ही भगवत कथा सुनने को वैसे नहीं मिलती। और मिल गई तो देखिए ना, देखी अजब निराली महिमा सकस मई, देखी बहुत निराली महिमा सकस मई।
अनेक प्रकार है। सत्य का संग सत्संग, सत्य परमात्मा की कथा का संग सत्संग, सद्भावनाओं की चर्चा सत्संग, सत्य स्वरूप भगत भगवान की चर्चा सत्संग, ये पहली भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के लीला कथा प्रसंगों को गाए सुनने ये सत्संग है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन कर कपट तजी। ये दो नहीं, तीन नहीं, एक भी कोई कर ले, जो बन जाए सत्संगति कर ले। भगवान कहते हैं मोकहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य, मेरे पुण्य के प्रताप से आप सबके दर्शन हमको सुलभ हो गए। और बड़े गदगद हैं, मेरे परमात्मा बड़े प्रसन्न हैं। महर्षि वाल्मीकि जी भी बड़े आह्लादित हैं, आनंदित हैं। क्यों? भगवान का या भाव दर्शन कर। स्वीकार और अस्वीकार, भगवान ने स्वीकार कर लिया, मुनिगन मिलन विशेष हो रहा है तो प्रसन्न है। अब प्रभु पूछते हैं कि हे ठाकुर, आप हमारे निवास का स्थान बताएं, हम कहां रहें। अब जहरा बुराया यसु हो, मुनि बुद्ध बेगुन पाव, तह रचि रुचिर परन त्रिन सा, बास करूं कछु काल कृपा। आप वो स्थान बताएं जहां हम कुछ समय के लिए कुटिया बना के रहने लगे। हमको 14 वर्ष रहना है। महर्षि जी मुस्कुराकर कहते हैं प्रभु, आप हमसे पूछते हैं कहाँ रहें, मैं आपसे पूछता हूं आप कहाँ नहीं हैं। पूछहु मोहि कि रहूं कहूं, मैं पूछत जहन हो तह तब तुम देखा। आप कहा नहीं है, आप तो सर्वत्र हैं, कण कण में है, जर्रे जर्रे में, सब में आप हैं प्रभु। दृष्टि का अंतर है। और यही महर्षि जी ने भगवान के माँ के लखनलाल के दिव्य स्वरूप का बड़ा मधुर वर्णन किया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।